हरियाणा में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गई हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चुनावी जनसभा के लिए सिरसा के रानिया पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने रानिया से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरपिंदर सिंह उर्फ हैप्पी रानिया के पक्ष में एक रोड शो भी किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत ली। अरविंद केजरीवाल ने जहां एक तरफ हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बोले कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली और पंजाब में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य है और पानी बिजली की सुविधा प्रदान की गई है, जिसकी बदौलत दिल्ली और पंजाब में आपका डंका बज रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के कामों को गिनाते हुए आगे कहा कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर आप हरियाणा में भी विकास कार्य करवाना चाहती है। उन्होंने अपने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए ये कहा कि केंद्र की सरकार उनको स्वतंत्र रूप से काम करने से लगातार रोक रही थी और उन्हें झूठे केसों में फंसाया भी गया। केजरीवाल आगे बोले कि मैं किसी भी सरकार के आगे नहीं झुकूंगा, बड़ी बेबाकी से पंजाब और दिल्ली के लोगों की सेवा करता रहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने जेल में बीते हुए दिनों का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार के आदेश के बाद उन्हें जेल में भी काफी प्रताड़ित किया गया, उन्हें ट्रीटमेंट से भी वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन दिल्ली और पंजाब की जनता का उन्हें आशीर्वाद। वहीं रानिया से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैप्पी रानिया ने भी इस जनसभा में कहा कि जो काम दिल्ली में हुए हैं उसी विजन को लेकर आज केजरीवाल रानिया पहुंचे हैं। हैप्पी ने हरियाणा में आपकी सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि जो गारंटियां पंजाब में पूरी की गई, वही काम हरियाणा में भी किया जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.